हेलो स्टूडेंट्स, अपन फिजिक्स के इस लेक्चर में बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में अपन क्या कर चुके थे, बहुत सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है वो स्फेरिकल मिरर्स के बीच क्या काम में आता है, ये काम क्या आता है, इसके बारे में बात करते हैं। मिरर फॉर्मूला अपने को रिलेशन बताता है यू वी और एफ के बीच। मतलब एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू कॉमा डिस्टेंस ऑफ इमेज वी एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो अपने को रिलेशन बताता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर के बीच में, उस रिलेशन या उस एक्सप्रेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन होगा जिसको अपन मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। वो क्या होगा, वो होगा 1/v + 1/u = 1/f। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट = रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ मिरर फोकल लेंथ। मतलब u v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से कहां तक, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, f focal length of mirror that is also measured from pole। देखो सबसे पहले u जो है वो हमेशा left side में रहता है, और left side में अपन सारी चीजों को negative लेते हैं। मतलब mirror formula में u is always taken as negative। अब बताओ focal length के बारे में बात करें तो अगर concave lens है, concave mirror है, अगर कॉनकेव है तो उसका फोकस जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, फोकस इज इन लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव लेते हैं, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ जो आती है, फोकल लेंथ जो आती है वो नेगेटिव आती है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी उसका जो फोकस होता है वो राइट साइड में आता है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब तीसरी चीज हम बात करते हैं वी। अगर इमेज, अगर इमेज रियल है, रियल है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर वो इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होने का मतलब वो लेफ्ट साइड, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर इमेज जो है वो वर्चुअल है तो वो क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगी,
तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वो राइट साइड में बन रही है, और अगर वो राइट साइड में बन रही है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं किसके बारे में, ये सारी चीजें हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। एक बार वापस देखते हैं मिरर फॉर्मूला को। ये क्या देता है आपको, रिलेशन देता है यू वी और एफ के बीच। मतलब अगर आपको यू वी पता है तो अपन एफ निकाल सकते हैं, यू और एफ पता है तो वी निकाल सकते हैं, वी और एफ पता है तो यू निकाल सकते हैं। बेसिकली ये अपने को एग्जैक्ट आइडिया देता है कि इमेज बनेगी कहां। पहले अपने ने डायग्राम से उसका एक रफ आइडिया लिया था, एक्चुअल पोजीशन पता करने के लिए अपन इस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर देखो एक एक्सप्रेशन जो इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है उसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। वो कुछ ऐसा होगा 1 / v + 1 / u = 1 / f, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इधर देखें तो v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। अगर इमेज रियल है तो वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब मिरर के जस्ट सामने लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में बनेगी तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल बन रही है तो कैसे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और अगर वो बिहाइंड द मिरर है तो कैसे बनेगी, राइट साइड में, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जस्ट सामने ही होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, इसलिए उसको भी नेगेटिव लेंगे हमेशा। फोकल लेंथ के बारे में बात करें तो फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। फ्रंट ऑफ फोकस जो होता है फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर होने का मतलब उसकी फोकल लेंथ को क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या, फोकस क्या होगा, पीछे होगा, पीछे होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, इसके लिए मतलब राइट साइड में होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, समझ में आ गया। चलो अपन एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू से कि कैसे ये चीज या कैसे ये चीज आ सकती है। जैसे मुझे एक चीज बोला जाए, मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है एग्जाम्पल में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। और क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले ये देखो कौन सा मिरर, कौन सा मिरर है, कौन के मिरर। सबसे पहले अगर अपन देखते तो कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। सबसे पहले अगर मैं कॉनकेव मिरर बना दूं, कॉनकेव मिरर ऐसे ही है। बाद में इसकी फोकल लेंथ मतलब उसका फोकस सामने होता है, ये इसका फोकस है, तो यहां से लेके यहां तक इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, मान लो 20 से ज्यादा होगा 30, तो यहाँ पे रखा हुआ है ए, जो कितने से रखा हुआ है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, तो यू कितना है 30। बाद में बात करेंगे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। आई वांट टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज मतलब बी फाइंड आउट करना, बताओ मैं विद साइन के बारे में बात करूँ आप लोगों से, इसके बारे में बात करूँ विद साइन। अगर अकॉर्डिंग टू साइन करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू साइन कर लेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन में देखूं तो बताओ U पॉजिटिव के नेगेटिव, बताओ लेफ्ट साइड में है माइनस में जा रहे हैं तो मतलब माइनस पर है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था और जो लेफ्ट साइड में होगा उसको माइनस मिलेंगे, जो जो है राइट साइड में होगा उसको प्लस मिलेगा। F वो भी लेफ्ट साइड में तो माइनस का 20 सेंटीमीटर,
वी फाइंड आउट करना है। अगर वी नेगेटिव आता है तो लेफ्ट साइड में, वी पॉजिटिव आता है तो राइट साइड में, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो रियल इमेज, बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल इमेज। चलो हम पर बात करते हैं पाई मिरर फॉर्म, पाई मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। चलो 1 अपॉन v फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया है, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f कितना है, माइनस का 20 प्लस या माइनस, माइनस 1 अपॉन माइनस का 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का तो 1 अपॉन 20 प्लस का 1 अपॉन 30, एलसीएम लेंगे कितना 60, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 60 सेंटीमीटर माइनस 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 60, तो वी विल बी इक्वल्स टू माइनस का 60 सेंटीमीटर, कितना माइनस का 60 सेंटीमीटर, माइनस का 60 सेंटीमीटर का मतलब इस लेफ्ट साइड में वो कितने डिस्टेंस पे आएगा, वी जो आएगा वो 60 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। बताओ पोजीशन पता चल गई 60 सेंटीमीटर पे बनेगा, नेचर तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, दैट इज रियल। तो बताओ इसकी पोजीशन, पोजीशन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये तो पोजीशन, नेचर, नेचर है रियल, नेचर है रियल, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, ये चीज क्लियर है या नहीं है? आई थिंक सो ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, मेरे हिसाब से इस चीज में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को चेक कर सकते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो अपनी डाउट क्लास में आप लोग कंसल्ट कर रहे हैं, ये चीज क्लियर है। चलो अपन एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं जिसके बेसिस पे बना लिया, देखो कैसे एग्जांपल, अगर मान लो ऐसा किया होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, then find position of mirrors and nature of mirrors। सबसे पहले अगर अपन देखें कि focal length कैसी या nature of mirror convex mirror, तो सबसे पहले मैं convex mirror बनाऊं, कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया तो इसका फोकस बिहाइंड द मिरर होगा, दैट इज फोकस। बताओ फोकल लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, मतलब दैट इज 24 सेंटीमीटर, इसके जस्ट सामने ये रखा हुआ है, जस्ट सामने रखा हुआ तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये भी, ये कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, दैट इज यू, दैट इज f। अगर अपन बाई साइन कन्वेंशन या अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन देखें तो जैसे इसमें लिखा था, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर अपन देखें तो देखो u लेफ्ट साइड में है, u कैसे है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में मतलब माइनस का 18 सेंटीमीटर, f जो है वो प्लस का 24 सेंटीमीटर, v फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से मिरर फॉर्मूला यही लगेगा, और 1 upon v is equals to 1 upon f minus 1 upon u, तो 1 upon v
वन अपॉन एफ कितना है प्लस का 24 माइनस वन अपॉन यू कितना है माइनस का 18। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन अपॉन 24 प्लस वन अपॉन 18 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 72 इन दोनों का एलसीएम तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया 7/72 सेंटीमीटर 7/72 तो 1/b will be equals to 7/72 तो b will be equals to 72/7 सेंटीमीटर दैट मींस प्लस का आया तो राइट साइड की लेफ्ट साइड बिहाइंड द मिरर और कितना आया 72/7 72/7 का मतलब 10.01 समथिंग जैन 10.03 तो ये लगभग यहां बनेगा 10. ये भी बन जाएगा और यहां पर इसकी इमेज दैट इज द आंसर। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसके बारे में? मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।